देवभोग थाना ने दुष्कर्म मामले पर फिर से तत्परता दिखाई है। दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पीड़िता नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत महिला संबंधी अपराध पर पुलिस सख्त हो गई है। जहां गरियाबंद पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर ने महिला अपराध के मामले में ऑपरेशन मुस्कान को सफलता दिलाने जिले भर में निर्देश जारी किए हैं। आज इसी क्रम में देवभोग थाना प्रभारी विकास बघेल ने नाबालिग के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए गुड़भेली के उमेश कुमार यादव को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर दिया है। आज इसी क्रम में देवभोग थाना प्रभारी विकास बघेल ने नाबालिग के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए गुड़भेली के उमेश कुमार यादव पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी नाबालिग जानते हुए भी पीड़िता से लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा और प्रेम जाल में फंसाकर भगाकर ले गया। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपहृता को आरोपी से बरामद कर लिया और आरोपी को भी दबोच लिया। पुलिस के उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी के साथ ASI खुमान सिंह महिलांग, आरक्षक सुनील पांड्या, राहुल तिवारी, अरविंद जाटकर, राजेश परकाम, महिला आरक्षक रेवती टंडन की अहम भूमिका रही। का है कि प्रार्थी जो है थाना आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी लड़की दिनांक 2/11 को जो है बिना बताए कहीं के चली गई है, जिस पर से जो है गुम इंसान दर्ज किया गया था। लेकिन गुम इंसान का उम्र कम होने से और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और पीड़िता का अपहरण होने की अंदेशा पर से 363 भादवी कायम किया गया था और कायम करने के बाद लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दरमियान मुखबिर से सूचना मिला कि इनका एक ग्राम गुड़भेली का उमेश कुमार यादव है, उनकी बेटी को जो है बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा दे करके भगा ले गया है। उसको तत्काल जो है घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से जो है पीड़िता को बरामद की गई है। बरामद करने के बाद पूछताछ करने पर उनके साथ जो है शादी का प्रलोभन दे करके उनके साथ अनाचार किया है, जिस पर से आरोपी उमेश कुमार के विरुद्ध 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, जिस तरह से अनाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या ये पुलिस के लिए एक सोचने वाली विषय है सर, मतलब किस तरह आरोपियों पर नकेल कसा जाए? ये पुलिस के सोचने के विषय के साथ साथ जो है सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए भी बहुत चिंतनीय है, क्योंकि इस जिला का सब पिछड़ा क्षेत्र होने के साथ साथ उड़ीसा बॉर्डर का भी करीब होने के से काफ़ी ज़्यादा जो है महिलाओं संबंधित अपराध होते जा रहा है और ये काफ़ी चिंतनीय है। बार बार हम पालक को भी, अभिभावक को जो है बार बार सचेत की जा रही है, फिर भी इसमें उतना मतलब इफेक्टिव या प्रभावशाली जो है नहीं हो पा रहा है।